हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। टुडे वी विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर फॉर 22nd of June 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड सेबी। इट विल बी प्रोवाइडिंग सम रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस टू RIAs। तो इसमें की प्रपोजल की बात हो रही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड करते हैं RIAs को, रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस क्रिएट करने की बात हो रही है ताकि डिस्टिंग्विशन कर पाए हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बीच में और ये जो रिसर्च एनालिस्ट हैं इनके बीच में। तो टेलर मेड सॉल्यूशंस क्लाइंट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे बात हो रही है। RIA जो कि इंश्योरेंस टैक्सेशन इनपे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए वर्क करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो क्लाइंट का फाइनेंस है उसके लिए भी कैसे रेगुलेट उनको किया जाए RIAs को, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि करंट नॉर्म जो एक कंपैरिजन दे रखा है, करंट नॉर्म्स अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्या, एक्सपेक्टेड तो जो फाइनल हो जाएंगे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। जैसे एक क्लाइंट कैप भी है, 150 क्लाइंट्स तक हो सकते हैं पर पर्सन। और इवन इसको हम रिलेट कनेक्ट कर सकते हैं विद द सोशल मीडिया रेगुलेशन ऑल्सो। जैसे कि वी आर सीइंग कि सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स या अकाउंट्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमें टिप दे रहे हैं या वो लोग उसको फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो अभी एक तरीके से वो अनऑर्गेनाइज्ड है। सो इसमें भी जैसे यहाँ लिखा है कि रिसर्च एनालिस्ट का टैग दिया जाएगा टू द पीपल हु आर गिविंग टिप्स टू द पीपल ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो दैट रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एंड अगेन वी आर सीइंग की ह्यूज लॉसेज आर बींग एनकाउंटर्ड। एंड एक और जो मेजर सेबी इज डिस्कसिंग राइट नाउ इज की जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वहां पे रिस्क ज्यादा है। एंड उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रेड भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि अगेन पीपल आर थिंकिंग कि प्रॉफिट जल्दी बना सकते हो, बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वहां पे भी टैक्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ठीक है। एंड दो एसोसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बाय सेबी जो कि कंप्लायंस बोर्डन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट जो सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जो के। है राइट, और एवरी 3 ईयर उनको ये रिन्यू कराना पड़ता है, तो दे हैव टू राइट एन एग्जाम टू गेट दिस द सर्टिफिकेशन रिन्यूड। एवरी 3 ईयर। नेक्स्ट, एग्री एक्सपोर्ट्स फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। सो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिमांड किया है कि जो प्रैक्टिस है कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो आती हैं तो उनका डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए टू दी फार्मर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा आती हैं उनको हटा के डायरेक्टली फार्मर्स के पास आना चाहिए। एंड ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो जितने भी फार्म इनपुट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए फ्रॉम दी GST। एंड एक एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट क्राइसिस भी बढ़ रहा है उससे भी हम डील कर पाए। तो फर्टिलाइजर तो तीन सब्सिडी अभी करंटली हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर सब्सिडी मॉडल जो है, तो जो NPK फर्टिलाइजर है सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको अगेन हम DAP भी बोलते हैं, डायमोनियम फोस्फेट। सो एक तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट फार्मर्स ट्रांसफर होना चाहिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT की हम बात करते हैं। इवन जो शुगर केन सब्सिडी भी है वो भी मैन्युफैक्चरर्स या जो शुगर मिल्स होती हैं पहले गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर करती है एंड देन दे फर्दर ट्रांसफर इट टू द फार्मर्स। तो फर्टिलाइजर्स के केस में भी ये है। एंड एक और आर्ग्यूमेंट जो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी देना ही क्यों है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इट इज डिस्टॉर्टिंग द पैटर्न ऑफ यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंड उसकी वजह से जो और बाकी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो इमर्ज हो रही है, जैसे एक ही फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज हो रहा है क्योंकि उस पर आपको सब्सिडी मिल रही है, उसका प्राइस कम हो रहा है आपके लिए। सो उसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है दैट इज डिक्लाइनिंग, तो इन अ वे इट इज ऑल्सो लीडिंग टू दी डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड एज वेल। तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजर प्राइसेस जो है उनको डी कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट कमिटी है जो रिकमेंडेशंस दी है कि एक प्रॉपर फॉर्मूला भी होना चाहिए फॉर गिविंग फर्टिलाइजर सब्सिडी और डी कंट्रोलिंग द फर्टिलाइजर प्राइसेस, तो कमिटी इज द किरित पारेख कमिटी।
अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात हो रही है, क्लाइमेट रेजिलेंसी की बात हो रही है, तो हेयर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट की वेयर हाउसिंग सर्विसेज इंपॉर्टेंट है. देन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में बात करते हैं, व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स, तो देयर ऑल्सो वी आर सीइंग जैसे ई नाम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो देयर द फार्मर्स पार्टिसिपेशन वो भी इंक्रीज हो रहा है. दे आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ईज एंड द प्राइसेस आर डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो वो एक एस्पेक्ट हो गया. और हम जब बात करते हैं तो लाइक साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेज ऑफ ड्रोन या जीएम क्रॉप्स की हम बात करते हैं, तो रेजिलेंसी ऑफ टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, दैट वी कैन डिस्कस. एंड इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया भी हम लेके आ रहे हैं, जो कि मैंडेटरी है जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं कि 100% यूरिया जो है वो नीम कोटेड यूरिया की तरह प्रोड्यूस होना चाहिए. एंड जो आइडियल एनपीके का रेशियो होता है 4:2:1. सो हाई फूड प्राइसेस वॉरंट वी मेंटेन दी पॉलिसी स्टैंड्स. तो फॉलिंग तो इन्फ्लेशन, इसमें ये देखने को मिल रहा है अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उनमें जो डिटेल्स होते हैं बाद में पब्लिश होती है, तो उसमें एक तो ये चीज हाईलाइट हो रही है कि जो एमपीसी मेंबर्स हैं उनके स्टांस में हमें डिसेंट देखने को मिल रहा है, मींस कि दे आर हैविंग डिफरेंट स्टांस, और वो यहाँ पे मेंशन भी किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द फीमेल एमपीसी मेंबर आशिमा गोयल मैम, शी सेज कि इफ द इन्फ्लेशन रेट इज फॉलिंग, सो उसके वजह से जो रियल रेपो रेट है इट हैज इंक्रीज अबव यूनिटी, इट हैज इंक्रीज अबव 1% रेट. तो रियल रेपो रेट मतलब कि नॉमिनल रेपो रेट माइनस द इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन कम हो गया तो उसकी वजह से जो रियल रेपो रेट आएगा वो यूनिटी से ज्यादा आएगा, एंड दिस विल रिड्यूस द रियल ग्रोथ रेट विद अ टाइम लैग. अभी हमें वो उसके जो इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं कि क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो डिक्लाइन होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, उसके वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है, तो वो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, बट वो एक टाइम लैग के बाद हमें उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, तो वो उनका स्टांस है. एंड देन जब हम आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं तो ही सेइंग इट इज इम्पोर्टेंट कि इन्फ्लेशन इज ड्यूरेबली अलाइन टू द टारगेट ऑफ 4%. मॉनेटरी पॉलिसी की ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो वी हैव सीन कि इट इज नॉट बीन सो इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द सप्लाई साइड फैक्टर्स विच आर कॉजिंग इन्फ्लेशन. तो इन दैट केस वी से कि इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द फिस्कल पॉलिसी. सो उसका इम्पैक्ट है उसका, अगर हम जो बोले कि रियल लाइफ में वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन वाया द मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेपो रेट हाइक्स किए गए हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल राइट, बैंक दैट फैसिलिटी. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, बट मेजरली जो लार्जेस्ट स्केल पे यूज हम करते हैं वो रेपो रेट ही होता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ब्रॉडर टर्म है जो हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है. न्यू रोड मैप फॉर फेस्ड लेबर कोड रोल आउट दैट इज लाइकली. तो यहाँ पे बात हो रही है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो वर्कर है हमारे स्पेसिफिकली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उनको कैसे री इन्फोर्स करेंगे. तो उसके लिए ई श्रम पोर्टल है ऑलरेडी, जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं नेशनल डेटा बेस के साथ. जो भी ओवरऑल हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स है उसके सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो उनको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ई श्रम पोर्टल के थ्रू. इसके अलावा 4 लेबर कोड, उनके इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है. बाकी सभी स्टेट्स में जहाँ पे नहीं भी हुआ है वहाँ पे भी फाइनलाइज करने की बात हो रही है जो ड्राफ्ट रूल्स हैं. एंड सो यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो है लेबर राइट्स का है, बात करते हैं सेफ वर्किंग कंडीशंस या जो उनको वेजेस मिल रही है,
हाउ इज दैट डिसाइडेड? क्या वो मिनिमम वेजेस के ऊपर है या मिनिमम वेजेस से भी लोअर लेवल पे उनको वेजेस प्रोवाइड की जा रही है? फोर्स लेबर एक एस्पेक्ट है, ओवर टाइम के लिए उनको पेमेंट कितनी मिल रही है, दैट इज वन एस्पेक्ट. सो एक इस परस्पेक्टिव से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड इज इम्पॉर्टेंट. एंड सेकेंडली वील सी कि इट विल ऑर्गेनाइज दी लेबर मार्केट, बिकॉज इंडिया में वी से कि एज पर द डेटा ऑलमोस्ट 90% इज इनफॉर्मल सेक्टर. So this will be one of the steps towards organizing them. And जो ये aspects हैं, एक ये है, and e-shram portal, it is also integrated with the National Career Services या Skill India Digital mission जो है, तो we'll be also able to track this through the data that will able to link with the कि स्किल्स में जो हमें स्किल्स अपग्रेडेशन चाहिए, या फिर जो हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हम यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इस डेटा के थ्रू कितना लेबर कौन सी स्टेट में है, कौन से सेक्टर में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, एंड देन वी कैन अगेन गो अहेड विद दी अपस्किलिंग जो भी चाहिएगा हमें टाइमली बेसिस पे. एंड सिमिलरली ऑश भी है जो कि 2020 में आया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड. मानसी, इसमें ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बता दो. ईपीएफओ इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट. तो एक खाली इंश्योरेंस के बारे में बात करता है कि आपको जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं वो आपकी हैं कि नहीं, हैव यू सब्सक्राइब टू दैट और नॉट. और ईपीएफओ एज अ सोशल सिक्योरिटी हो गया कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप अ सर्टन पोर्शन ऑफ योर सैलरी आप इन्वेस्ट करते हो. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन से इसमें रहेंगे? मतलब ईपीएफओ में फॉर्मल रहेंगे ना, हाँ, फॉर्मल रहेगा, और ईएसआईसी में? उसमें भी फॉर्मल रहेगा. इनफॉर्मल का या अनऑर्गेनाइज का वो ये कि उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, तो अभी वो नहीं है. ठीक है. कंटिन्यूइंग विद एंटी सब्सिडी ड्यूटी ऑन चाइना केमिकल, तो काउंटरवेलिंग और एंटी सब्सिडी ड्यूटी की यहाँ पे बात हो रही है कि डीजीटीआर ने यहाँ पे ब्रिटेन हो गया कंटिन्यू. एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है जो इंपोर्टिंग कंट्री है, अगर हम इंडिया और चाइना का एग्जांपल लेते हैं तो इंपोर्टिंग कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज करती है. फॉर एग्जाम्पल कि चाइना जो हमें गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है वो उनकी भी डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस है उससे लोअर लेवल पे इंडिया में उसको डंप कर रहे हैं, इसे उसको हम डंपिंग बोलते हैं. तो इंडिया कैन इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी अगेंस्ट सच टाइप ऑफ इम्पोर्ट्स. एंड जो है काउंटरवेलिंग ड्यूटीज हैं वो भी, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसमें इन केस ऑफ यूएसए ज्यादा यूज करता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी की, अगर आप जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो उसका प्राइस जो है यूएसए की मार्केट में, अगर यूएसए इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव प्राइसेस है, उसमें इंडिया का बेनिफिट है क्योंकि प्राइसेस कम हो गए, कॉम्पिटेटिव हो गए, तो हमारे गुड्स जो है वो ज्यादा सेल हो पाएंगे. बट यूएसए क्या करता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर देता है उन इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो उनका प्राइस फिर इंक्रीज हो जाता है. तो दैट इज द मेन डिफरेंस या इंटेंशन बिहाइंड यूजिंग दीज टू डिफरेंटली. और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे भी लिखी है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी को हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी बोलते हैं, तो इसलिए मतलब एंटी सब्सिडी, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाए, बट अगेन इम्पोर्टिंग कंट्री फिर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज कर देती है, तो इट इज एंटी सब्सिडी. और दोनों डीजीटीआर करते हैं, है ना? हाँ, दोनों ही डायरेक्टर. कॉमर्स हाँ, इंडस्ट्री के अंदर. द नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ कार्ड विल इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर. सो जो क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड किन सर्कमस्टांसेस में आपको एडवांटेजियस होगा एंड देन कब डिसएडवांटेजियस होगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है. अगर एनुअल फीस जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको नहीं देना है तो आप कर सकते हैं. अगर स्पेंडिंग को सिंप्लीफाई करना है या फिर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्लोज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को. इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को अभी यूज नहीं कर रहे हैं एंड अनयूज्ड वो है तो उन चांसेस में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हैंड्स में ना जाए तो आप क्लोज कर सकते हैं. फिर डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की.
तो कैसे क्रेडिट स्कोर को वो इम्पैक्ट करेगा, इसको मानसी बता दो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। सिंपली होता है जो सिबिल स्कोर होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करते हो तो वो डिक्लाइन हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में अगेन आपको कोई अगेन लोन चाहिए या क्रेडिट नीड्स हैं, सो उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सिबिल स्कोर एक असेसमेंट के लिए होता है कि आपका जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो कितना है, कि आपने टाइमली रीपेमेंट्स करी कि नहीं करी, सो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने के लिए क्रेडिट कार्ड को हमें क्लोज कर देना चाहिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं। देन रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो ऑफ 83.64। तो इसमें भी फैक्टर्स देखते हैं कि एक तो हम बोल रहे हैं कि रुपी फॉल्स टू रिकॉर्ड लो, तो वो एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इट मींस कि इट इज डेप्रिशिएटिंग। इसकी जो वैल्यू अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी दैट इज डिक्लाइनिंग। एंड डेप्रिशिएट हम कब बोलेंगे, इफ द मूवमेंट इज या जो वैल्यू ऑफ रुपी इट इज मूविंग फ्रॉम सपोज रुपीज 80 टू 83.64 गई है, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड फैक्टर्स क्या इम्पैक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन में, तो व्हेन द डिमांड फॉर डॉलर्स इंक्रीजेस तो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स, एंड व्हेन वी आर सीइंग कि देयर इज मोर कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया बिकॉज अगेन उसमें भी डिमांड फॉर डॉलर्स इंक्रीजेस, सो इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो अभी यही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से रुपी इज एट रिकॉर्ड लो ऑफ 83.64। सो इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई मार्केट में डॉलर्स को सेल करता है। तो मानसी दी, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, डीवैल्यूएशन होता है अगर आरबीआई या सेंट्रल बैंक करता है तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम होती है, उसमें भी रुपीज 80 to 83 अगर हम मूव करेंगे तो वो डीवैल्यूएशन ही कहलाएगा और ये भी डेप्रिसिएशन ही कह जाएगा। बट ये है कि इंटेंशनली थोड़े बहुत अमाउंट से जब किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। इसमें हम चाइना की हमेशा बात करते हैं कि आप अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए यू आर डूइंग डीवैल्यूएशन पर्पसफुली, सो विच इज नॉट सपोर्टेड ग्लोबली। ओके, देन नेक्स्ट, आरबीआई एक्शन रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट। तो एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके पास जो अनक्रेडिट अनसिक्योर्ड क्रेडिट और अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स का नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो कि आरबीआई ने हाईलाइट किया है। तो आरबीआई ने क्या मेजर क्या लिया था इसके लिए, एक तो ये था कि जो सीआर रेशियो जो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क रेशियो, उसको 100% से 125% इंक्रीज कर दिया गया। और ये बोला गया कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर मतलब लोन पे लोन दिए जा रहे हो बट यू आर नॉट प्रॉपरली असेसिंग द क्रेडिट क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बोरोअर एंड यू आर नॉट सीइंग कि कौन से सेक्टर में व्हाट इज दी शेयर ऑफ जो आप लोन दे रहे हो, या आप एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो मेयरली फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैनेजिंग ऑफ रिस्क इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट मेजर एक यही लिया गया था 100 से 125%। एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिट वो होता है जिसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल नहीं होता है, सो उसमें बैंक का रिस्क और इंक्रीज हो जाते हैं। देन मच टू गेन फ्रॉम लेबर, डेफिनेटिव पॉलिसी स्टेप्स आर नीडेड, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर है, ताकि और भी ज्यादा जॉब्स भी हम क्रिएट कर पाए। तो न्यूली अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, दैट हैज अबव 80% ऑफ द सेवरल क्वार्टर्स। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एट नेशनल लेवल एंड एट ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल? तो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर, लेदर सेक्टर, डायमंड गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर, जहाँ पे हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो ऐसे सेक्टर्स मैं तो जहाँ पे बोल एम्प्लॉयमेंट रही थी पोटेंशियल ज्यादा है।
एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए भी जो रोल ऑफ एमएसएमईज है वो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट सो एज टू रेगुलेट द इंटरेस्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द लेबर हु आर वर्किंग इन द एमएसएमई सेक्टर. बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन में जब बात करते हैं तो हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम एमएसएमईज. सो दैट इज व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट की इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स बिकम मच मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज दैट हैज बीन डिलेड. एंड इसको हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं जो है गिग इकोनॉमी. तो उसमें भी हमने बात करी है गिग इकोनॉमी वर्कर्स जो है उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में इन द लेबर कोड्स. सो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट अगेन उसको थोड़ा और लार्ज स्केल पे हमें करने की जरूरत है. तो वी कैन से कि अ बिगिनिंग हैज बीन मेड थ्रू दीज लेबर कोड्स. एंड इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर जिसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स, जिसमें जो मैंडेट भी है इस कार्बन टैक्स का वो विद टाइम इंक्रीज होते जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी इंक्लूड करता जाएगा. तो इम्पोर्ट टैरिफ्स, द नेक्स्ट पावर इंफ्रा नीड्स क्लाइमेट रेजिलियंस. सो हमने देखा कि प्रोलॉन्ग समर के साथ साथ प्रोलॉन्ग हीट वेव्स भी हैं जिसकी वजह से पावर की डिमांड भी इंक्रीज हुई है, तो कूलिंग डिवाइसेस का यूज भी इंक्रीज हुआ है. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उतना एडिक्वेटली वो हीट को पंप आउट नहीं कर पाता क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा है रीजनली एंड ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है विद टाइम. तो जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, या फिर जो लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको भी कैसे कम कर सकते हैं हम. तो पीक डिमांड फॉर एनर्जी और भी ग्रो हो रही है, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट है जो कि एम्पलीफाई कर देता है इस टेम्परेचर को, रीजनल लेवल पे एयर कंडीशनिंग की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज होता है. तो जो ग्रिड कनेक्टिविटी है जो कि ऑलरेडी एज हो रही है उसके ऊपर फिर प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज होता है जिसकी वजह से लॉसेस भी एक फैक्टर हो जाता है कि उतना एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाता. हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो 145 गीगावाट्स अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिसमें ग्लेशियल मेल्ट डाउन है, अनयूजुअल रेनफॉल है, वो भी इम्पैक्ट करती है हाइड्रो पावर जनरेशन को डायरेक्टली. इसके अलावा विंड एनर्जी है जिसमें 46 गीगावाट्स ऑफ विंड पावर इंस्टॉल्ड है इंडिया के अंदर, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं तो अनरिलायबल हो जाता है जो विंड पावर जनरेशन है. एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस हम देखते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज होता है जिसकी वजह से विंड की स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है. तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और मॉडलिंग हमें चाहिए विंड रिसोर्सेज के ऊपर ताकि जो पोटेंशियल है उनका उसको भी देखा जा सके कितना रिलायबल वो हो सकता है. देन थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फैसिलिटी कैसे वो वर्क कर रहा है, तो ड्रॉट्स, हीट वेव्स ये एक बड़े चैलेंज बन जाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए भी एंड उनकी वर्किंग के ऊपर. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कैसे हमारे एनर्जी जनरेशन सेक्टर के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है. देन एयर पोल्यूशन, सोलर सोलर कैपेसिटी की भी हम बात करते हैं तो सोलर पैनल तो हम लगा देते हैं बट कितना सोलर रेडिएशन रीच कर पा रहा है हमारे सरफेस तक उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि कितना एयर पोल्यूशन है. तो वेरिएबिलिटी होती है सोलर एयर रेडियंस के अंदर जो कि इम्पैक्ट करता है पावर जनरेशन को वाया दी सोलर इंस्टॉलेशन. तो सोलर पावर में 84 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया के पास अभी. तो ये आर्टिकल ओवरऑल ये एक नया एलिमेंट है जिसके बारे में हम पहले बात नहीं करते थे. हम बोलते थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स रेन्यूएबल एनर्जी, जो देखने को भी मिल रहा है इन इंडिया, या जो पंचअमृत हमारे टारगेट्स हैं. बट क्लाइमेट चेंज रेन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोडक्टिविटी है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके हम रिलाई कर सकते हैं, ये एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है जो कि इतना डिस्कस नहीं हुआ है. बट अब चैलेंज यही है कि ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, इसका क्या नेक्स्ट सोल्यूशन होगा? उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल पायरोस्काइट सोलर पैनल जो सोलर रेडिएशन ये रेडिएशन को कम करते हैं लॉन्गर टर्म में. फिर विंड एनर्जी, अगर विंड फार्म वहीं पर होना चाहिए जहाँ पर विंड एट अ वेरी हाई स्पीड ब्लो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफ शोर विंड्स पे इन गुजरात. तो हाँ वैसे ही वो तो कुछ बहुत स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक
जैसे विंड एनर्जी का आपने बोला कि यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे हाई विंड स्पीड है, बट विंड के जो स्पीड है वो भी मतलब परमानेंट चीज नहीं है ना कि वहां पे वो चीज रहेगी रहेगी आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो बहुत ज्यादा हाई है. तो वी आर नॉट हैविंग ऐसे कोई लाइक प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स कि आने वाले टाइम में इतना विंड स्पीड से ब्लो करेगी, या वहां पे कोई अगेन नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकते हैं. जैसे हम देख रहे हैं अरेबियन सी में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और विंड पैटर्न इज ऑल्सो चेंजिंग. तो ये कुछ चैलेंजेस जो ये आर्टिकल हाईलाइट भी कर रहा है. एंड इसके साथ बैटरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें भी डिफरेंस दिखा रहा है कि जो लेड एसिड बैटरी है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, बट लिथियम आयन बैटरी जो है वो 45 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकती हैं, तो इसलिए भी उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड फैक्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर डैम एमपी के अंदर. अब उसमें भी एक प्रॉब्लम हुआ था हाल फिलहाल में, जहाँ पर ड्यू टू द साइक्लोन जो पूरे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट थे वो एक तरह से बिखर गए थे, तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है कि अब हाई विंड्स की वजह से हाईवेज के। हाँ इसको आप ले लो. अशी तो बड़ा कदम। साउथ कोरिया द प्रॉमिसिंग वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस टूरिज्म। साउथ कोरिया इम्पोर्टेंट है, साउथ कोरिया 33 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। और साउथ कोरिया क्यों इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, क्योंकि बिजनेस पर बिग बिग एमएनसी वहाँ पर है, सैमसंग हो गया वहाँ पर, और आईसीटी और Fab4 अलायंस चाइना साउथ कोरिया जापान के बीच में, टू काउंटर एंड ताइवान टू काउंटर चाइनीज प्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल इसमें दिया भाई, यूनिक एक्सपीरियंस, कल्चर इमर्शन, गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं साउथ कोरिया टू इंक्रीज द MICE इवेंट्स। MIC मतलब मीटिंग इंसेंटिव ट्रिप्स कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन। इससे क्या होगा कि लोकल जो कल्चर है, लोकल जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा साउथ कोरिया के अंदर में, तो उसी का एक हाईलाइट है ओवरऑल आर्टिकल में। तो स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर्स 19 है. मतलब बोलना चाह रहा है कि आप यहाँ पर आइए और इन्वेस्ट करिए, साथ साथ आप टूर भी जाइए, कहीं भी आप मीटिंग होता है, बिजनेस मीटिंग होता है तो वहां पर आगे करिए। उससे क्या हुआ, बिजनेस मीटिंग तो मीटिंग इंसेंटिव ट्रिप कॉन्फ्रेंसेस जो होता है वहीं पर आगे करें साउथ कोरिया, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रमोट कर रहा है ये चीज़। हम गिफ्ट सिटी में प्रमोट कर सकते हैं और भी एरियाज पर इंडिया में, कि लोकल ट्रेडिशन कल्चर को भी प्रमोट करें, साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे क्या है कि कोरियन क्यूजिन हो गया, शोकेसिंग इट्स यूनिक मॉडल्स, मॉडल कन्वेंशन सेंटर, हिस्टोरिकल साइट, ट्रेडिशनल विलेजेस टू ड्रॉ मोर माइस टूरिस्ट। तो बिजनेस कम टूरिज्म सेक्टर है, उसको साउथ कोरिया प्रमोट कर रहे हैं। उसे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मोर एंड मोर इंक्लूजन होगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, और साउथ कोरिया इमर्ज कर सकेगा इन द हायर रैंकिंग इन टूरिज्म सेक्टर। एक इनिशिएटिव है MIC विच कैन बी इंक्लूडेड इन इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट, फूड इन्फ्लेशन बिहाइंड ग्रैड गिंगली स्लो पेस ऑफ डिस इन्फ्लेशन. सो एमपीसी ऑलरेडी इसकी बात भी कर ली हमने, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. मानसी दी इसमें अगर कुछ डिफरेंट है तो. ये वही चीज नहीं, वही चीज हाईलाइट हो रहा है कि जो डिस इन्फ्लेशन है, एक तो ये यहाँ पे तीन टर्म्स होती है, इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डीफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिस इन्फ्लेशन, और डीफ्लेशन इज कि इन्फ्लेशन हो रहा है बट उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो स्लो डाउन हो गया. सो यहाँ पे वही जो फूड प्राइसेस है, फूड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से डिस इन्फ्लेशन का रेट इज स्लोइंग डाउन. वही सप्लाई साइड फैक्टर्स उसके पीछे मेजर रीजन है, तो ये चीज हाईलाइट हो रही है यहाँ पे. एंड रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये राइज हुआ है
टू 60.9 जून के अंदर, तो जॉब क्रिएशंस का लेवल हमने देखा है कि इंक्रीज हुआ है, फास्टेस्ट है 18 ईयर्स में। तो मानसी जी, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अभी इसमें इंक्रीज हुआ है? कि एक तो जो हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ होना चाहिए था, इंडिया में एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ लीप फ्रॉग हुआ, तो वी मिस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब जो बोलते सैचुरेशन है सर्विसेज सेक्टर में अचीव हो चुका है, या देर इज लेस स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्रिएशन और मोर जॉब्स देयर। सो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम प्रमोट भी कर रहे हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, तो ये वेरी करता रहता है। बट अगेन, जो ये अभी करंट एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये है कि जो रॉ मटेरियल्स एज अ मैनेजर जो प्रोक्योर किए जाते हैं, उसके थ्रू वी गेट एन आइडिया कि आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और इंक्रीज होगी और एक्सपैंड होगी कि नहीं होगी, एंड अकॉर्डिंगली अगर एक्सपैंड होगी तो जॉब क्रिएशन का रेट भी इंक्रीज होगा। सो इसमें अगेन, इसको अगर हम फर्दर सब डिवाइड करके देखते हैं तो कौन से सेक्टर में ज्यादा हो रहा है, तो वो सब बाकी उसका एस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे ये सप्लाई साइड फैक्टर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वेदर दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज और इट विल बी सोल्ड, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है क्या वो इन सिंक इंक्रीज होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेशन एक फैक्टर रहेगा। वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके। स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्लीन एयर So this is talking about clean air for the young. India has the most number of children dying due to the emission, according to the State of Global Air Report 2024. इसमें बोला गया कि ओवरऑल एयर पोल्यूशन इज सेकेंड लीडिंग फैक्टर डेथ अमंग द चिल्ड्रन बिलो ए 5 ईयर ऑफ एज। अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख आउट ऑफ 8.1 मिलियन वो हैव डाइड इन द डेमोग्राफिक। 2.1 मिलियन डाइड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। एयर एंड पोल्यूशन दोनों आउटडोर और इंडोर होते हैं, तो इंडोर एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल एज कम्पेयर टू आउटडोर। और शॉर्ट टर्म मेजर खाली ये सब है कि ऑड एंड इवन है, स्प्रेइंग वाटर ऑन डस्ट, स्कूल को बंद कर देना, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी बंद कर देना कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर क्या हो सकता है कि आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, रोड्स के अंदर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी बाइंड अप द डस्ट। क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन कारण ओवरऑल चिल्ड्रन क्यों होता है, क्योंकि पर किलोग्राम बॉडी वेट ज्यादा है तो दे आर एब्जॉर्बिंग मोर पोल्यूटेंट। हाई ब्लड प्रेशर, चाइल्ड ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन सब बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अनदर सोल्यूशन। एंड ऑल्सो जो चिल्ड्रेन होते हैं वो ज्यादा पर एयर इनहेल करते हैं पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, जिसकी वजह से ज्यादा पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड उनका डिफेंस मैकेनिज्म भी वीक होता है रिलेटिवली, इसलिए वो डिजीजेस भी ज्यादा उनको होती हैं। एंड ये हमने बात की कि PM2.5 कैन गेट डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, तो दैट बिकम्स मच मोर डेंजरस, कि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो और डिक्लाइन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। PT2021 ने पूछा था। क्वेश्चन पूछो। फार्मर्स एमएसएमई सीक मोर एलोकेशन इन यूनियन बजट। इसमें बात हो रहा है कि टू हाउ टू स्ट्रेंथन अपेडा एक्सपोर्टिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, मपेडा मरीन एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड के लिए अपेडा स्टैट्यूटरी बॉडी है अपेडा, और अपेडा एक्सपोर्ट सभी चीज करते हैं इवन इंक्लूडिंग बियर एंड अल्कोहल, उसको भी रेगुलेट करते हैं। और फिर उसमें बात किया गया ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट क्योंकि हार्वेस्ट जब होता है तो मोस्टली द फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन एपीएमसी। एपीएमसी इट इज अंडर स्टेट सब्जेक्ट, तो एपीएमसी में अगर इरेगुलरिटी होता है, मोनोपोली होता है, उसके कारण रेन्यूनरेशन नहीं मिल पाता है फार्मर्स को।
तो उसमें बात हो रहा है। तो ई नाम एक एग्जाम्पल है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म एक अलग एग्जाम्पल, इसमें आप एपीएमए के मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। दूसरे, डू डेवलप डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एस्टैब्लिश बोर्ड फॉर ईच एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, वैसी अलग अलग कम्युनिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फंड ग्लोबल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम, जैसे चाइना का मॉडल है, जिसमें चाइना अपने एम्बेसडर को हर एक कंट्री स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एसेस करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर कम है। वैसे ही इंडिया में भी ग्लोबल मार्केट आप ढूंढ सकते हैं टू फंड। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, गुड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर सब्सिडीज, या तो होता है कि आप डायरेक्टली सब्सिडीज दें बाद में मटेरियल्स में, या तो आप इनकम में दें। इनकम में पीएम किसान हो गया, इंसेंटिव हो गया 6,000 रुपीज़ पर ईयर, उसको 9,000 बढ़ाना चाहिए ताकि। और ये सिर्फ लैंडेड फार्मर्स के लिए, पीएम किसान, लैंडलेस के लिए नहीं। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि लैंडलेस के लिए क्या करेंगे रायतु बंधु, जबकि लैंडलेस के लिए भी है। मोस्ट फार्मर्स आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम लैंड, क्योंकि लैंडलेस है। फर्दर कि ड्यू डी रेगुलेट शुगर सेक्टर, इसमें क्यों बात हो रहा है, क्योंकि जो शुगर सेक्टर है उनका दो यूज है, एक तो आप बेवरेजेस फूड में, तीसरा एथेनॉल प्रोडक्शन में। और कभी कभी होता है कि डी रेगुलेशन मतलब ओवरऑल कि इसमें बहुत लाइसेंसिंग, उसमें बहुत गवर्नमेंट का इंक्रीज्ड इंटरवेंशन रहता है जो कम होना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर के फेयर प्राइस, फेयर रिमुनरेशन मिल सकता है शुगर इंडस्ट्री को भी और फार्मर्स को भी। और अब तो पेड़ा की बात करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन है दैट दे आर इंटरेस्टेड विद, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इंपोर्ट ऑफ शुगर, दैट इज ऑल्सो डन बाय अपेडा. एंड वन मोर थिंग इज देयर की दे कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इन स्लॉटर हाउसेज एंड जो प्रोसेसिंग प्लांट स्टोरेज. एक्सेप्ट हाँ, बाकी मरीन, सारा है जो आपने मेंशन भी किया कि बेवरेजेस में भी अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हो गए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी है, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स भी है, बट ये एक इम्पोर्ट ऑफ शुगर स्पेसिफिकली इनको ही दिया गया है. और हाँ कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं अपेडा की, तो चेयरमैन जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन एक एक्स ऑफिशियल होते हैं हु इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन वन मेंबर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग नीति आयोग, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हुम टू आर इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड वन बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड देन देर आर 8 मेंबर्स जो स्पेशलाइजेशन होती है जिनकी एग्रीकल्चर में, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, इन सब में. एक और इसमें डिमांड किए फार्मर्स, बोले कि पीएलआई स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, इट इज अ 4 to 6% इंसेंटिव स्कीम ऑन ईच प्रोडक्ट सोल्ड उस पर है। तो एमएसएमई सेक्टर में ही सिर्फ अभी मोस्टली फोकस है, तो उससे बियॉन्ड जाना चाहिए। हो सकता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो एसएसजी है उसमें भी आप पीएलआई ले सकते हैं। तो दे हैव डिमांडेड दैट। एंड इसमें जो बात हो रही है BLR रेटिंग और BBB रेटिंग MSMEs के लिए, ये क्या है, इसके बारे में बता दो. एक तो इम्पोर्टेंट चीज है क्रेडिट कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके अंडर जितने भी लोन दिए जाते हैं MSMEs को, सारे लोन्स जो हैं दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. एंड ये जो है रेटिंग्स जो है MSMEs के लिए, आई थिंक ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असाइन दीज रेटिंग्स टू MSMEs, तो ये जो रेटिंग है इसके बेसिस पे बैंक्स को पता लग सकता है कि MSMEs की जो क्रेडिट वर्दिनेस है, उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उनको कितना अमाउंट का लोन देना चाहिए. गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी आउट ऑफ बॉन्ड्स, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया, देर हैज बीन जनरेशन आउटेज ऑफ मोर देन 30 गीगावाट ऑन ऑल बट 2 डे सिंस 18 मई। इसका मतलब क्या है, जनरेशन आउटेज की पावर जनरेशन कैपेसिटी आउट ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है इट हैज इंक्रीज सो फार कि आप मीट ही नहीं कर पा रहे ओवरऑल जनरेशन। एक हाँ जो मेनी पैटर्न एरियाज चेंज हो आर रहे, जैसे ट्रिपिंग अप। हाँ पीक डिमांड जो है वो हमें सितंबर में देखने को मिलती थी, एंड दिस टाइम वी आर सीइंग इट इन मई एंड जून, तो उसकी वजह से ओवर हीटिंग हो रहा है, तो इवन दीज सर्विसेज आर लाइक दे आर आउट ऑफ सर्विसेज जो पावर प्लांट्स हैं. तो इसका सोल्यूशन एक हो सकता है कि
जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है या तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाएगा या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, टारगेट है 500 गीगावाट लॉन्ग टर्म में, लेकिन साइड बाय साइड गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन क्लीन कोल इंडस्ट्रीज, ताकि हम लोग फेस धीरे धीरे डाउन करें ओवर दिस तो और औषध कोल इसको ऐसे भी प्रोडक्शन। डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हो गया सप्लाई साइड, लेकिन डिमांड साइड जो कंज्यूमर्स का रोल है वो भी इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो या जो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन हो उसको भी जुडिशियसली यूज करना चाहिए. तो वो दोनों चीजें बैलेंस करके वी माइट फाइंड अ सोल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म. हाँ, और एक और इसमें आता है एनर्जी एफिशिएंसी, कि आप 3 स्टार 4 स्टार एसी फ्रिज ये सब यूज़ करें, एलईडी बल्ब को यूज़ करें, तो उससे भी कम होगा डिमांड, प्रोडक्टिविटी उतनी होगा कम होगा। और इसमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो स्टैटरी बॉडी है, GS2 में पूछता है स्टैटरी बॉडी, तो अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट है, लाइंस, कनेक्टिविटी, इंस्टॉलेशन, मीटर, सेफ्टी, सब पे वो रेगुलेट करते हैं, उसको सर गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करते हैं। फर्दर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में भी उनका रोल रहता है, लाइसेंसिंग चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पे होना चाहिए, सब में उनका रोल। डेटा कलेक्शन मैनेजमेंट, डेसिमिनेशन ऑफ पावर सेक्टर, टेक्निकल एस्पेक्ट और एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को एंड जेनरेटिंग कंपनीज को, सीई है। सो एक और चीज है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो भी लेटेस्ट वाला है दैट इज फॉर द टाइम पीरियड 2022 to 2027, एंड दिस इज फॉर्मुलेटेड एवरी 5 years बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. तो एक ये शॉर्ट टर्म प्लान हो गया 5 years, एंड देन देयर इज दिस लॉन्ग टर्म प्लान प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर 15 years ऑफ ड्यूरेशन. बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस द ट्विन टेस्ट अंडर पीएमएलए। पीएमएलए में क्या टेस्ट है? फर्स्ट, सेक्शन 45 विच डील्स विद बेल स्टेट्स दैट नो कोर्ट कैन ग्रांट बेल फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस लॉ। एक तरह का नेगेटिव एक्सेप्ट इसमें लैंग्वेज है, जिसमें बात हुआ है कि बेल इज नॉट अ रूल बट एक्सेप्शन अंडर पीएमएलए। आपको ट्विन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। दो है कि रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज इज नॉट गिल्टी, पहला। दूसरा टेस्ट है कि इट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाई ऑन बेल, या तो गिल्टी नहीं है या बेल के समय में वो ऑफेंस नहीं कमिट करेंगे। दो, तो लीगल चैलेंजेस क्या है? लीगल चैलेंज ये क्या है कि इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि इट इज अ फ्यू एक्सेप्शन, इट इज नॉट अ रूल बट अ एक्सेप्शन। तो बेल, ऑल्दो इट इज नॉट अ अभी राइट, बेल इज नॉट अ राइट, लेकिन इसमें बात होता है कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रूल अंडर द लॉ। एंड ऑल्सो जो ट्विन चैलेंज भी है यहाँ पे, ट्विन बेल का प्रोविजन भी है, क्या वो भी रीजनेबली क्लासिफाइड है कि नहीं है, उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं. बिकॉज इट ए फीचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी विच इज ए फंडामेंटल राइट। दूसरा, पीएमएलए में क्या होता है कि पीएमएलए सिर्फ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम नहीं है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, उसके साथ बाकी सब चीज भी इंक्लूडेड होता है, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट एक्टिविटी, नारकोटिक लॉस। इसलिए पीएमएलए के अंदर जो प्रोविजन है इट बिकम्स वेरी स्ट्रिंजेंट, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। जैसे करंट पोजीशन, बेल कंडीशन के ऊपर अमेंडमेंट है, इट स्टिल रिमेन्स फर्दर की उसको अमेंडमेंट किया गया था मनी बिल के थ्रू में, तो उस पर भी क्वेश्चन उठा क्या वो मनी बिल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे आधार एक्ट या ट्रिब्यूनल मेंबर्स को पास किया गया था। तो दो टाइप का बिल प्रोविजन होता है, रेगुलर बिल और एंटीसिपेटरी बिल। एंड यहाँ पे करंट सिनेरियो में भी बताया गया है कि जो दोनों टाइप के कोर्ट्स है, स्पेशल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, वहां पे जो ट्विन टेस्ट है उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जा रहा है सभी कोर्ट्स में. और एंड पीएमएलए एंटीस जो
रिलेटेड टू आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनली वीना कन्वेंशन के जो एलिमेंट्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया केम अप विद दिस पीएमएलए एक्ट 2002। और जो आपने बोला कि मतलब स्टैंड अलोन ऑफेंसेस नहीं होते, तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है प्रेडिकेट ऑफेंसेस बोलते हैं। अनदर थिंग इज एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में क्या फर्क है. तो एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट इट अलाउज अ पर्सन टू सिक्योर बेल एडवांस में इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के पहले ही. और रेगुलर बेल होते हैं कि अरेस्ट के बाद होते हैं, व्हेन दे हैव बीन अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. ये लो क्लाउड 3.5 सोनेट. क्लाउड 3.5 सोनेट में ये बोल रहे हैं कि इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है अगर कंपेयर करते हैं बाकी एआई मॉडल से, क्योंकि एक तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा और जो एलएलएम मॉडल इसमें यूज किया है तो उसमें प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, तो प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स होने की वजह से बड़े अमाउंट में भी जो टेक्स्ट है वो ये आगे आने वाले रिजल्ट में जनरेट कर सकता है। तो बेनिफिशियल सबसे ज्यादा इसको बताया जा रहा है लॉजिस्टिक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रिटेलिंग सेक्टर में, क्योंकि इसमें आप इनसाइट्स के ऊपर भी रिलाई कर सकते हो, जैसे कि कोई भी इमेज है, ग्राफिक है, जो भी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बारे में भी इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करेगा, इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को भी के साथ भी ये वर्क कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इमेज ग्राफिक एंड इलस्ट्रेशन देन फ्रॉम टेक्स्ट. दूसरा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो एनएसएसओ द्वारा किया जाता है, तो उसमें हाईलाइट यह हुआ था कि दोनों तरफ में पैटर्न ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन वो बढ़ा है, रूरल अर्बन के अंदर में बीच में डिवाइड है वो कम हुआ है. ओवरऑल जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है. अब इसमें लेकिन एक और एक हाईलाइट क्या था जिसमें फोकस किया गया कि प्रोसेस फूड उसका कंजम्पशन बढ़ा हुआ दे ये दिखाता है कि लोगों के पास अगर फंड पैसा है तो दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन पैकेट फूड जा करके, नेस्ले हो गया और भी एफएमसीजी कंपनीज हो गए उसमें. और जो सीरियल प्रोडक्शन है उनका कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हुआ. इट इज डन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ करते हैं इसको एवरी 5 ईयर्स। सो इन्होंने ये भी बोला कि पॉवर्टी हैज डिक्लाइन टू 5%, जिसपे अगेन इट इज डिबेटेबल, एंड स्टेट्स की मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, एंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर वॉज रिकॉर्डेड इन सिक्किम, लोवेस्ट वॉज इन छत्तीसगढ़, एंड नॉन फूड एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ उसमें भी स्पेसिफिकली फ्यूल और लाइट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑन द टॉप। हाँ एंड इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो सीरियल्स का प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हुआ है, बट एचसीईएस जो रिपोर्ट है वो दिखाती है कि पर पर्सन जो कंजम्पशन है सीरियल्स का वो डिक्रीज हुआ है। तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में भी हम कंपेयर करते हैं तो रूरल में ज्यादा ड्रॉप देखा है हमने, तो सीरियल यूसेज में भी शिफ्ट हुआ है, जैसे आपने बताया कि प्रोसेस्ड फॉर्म जो है सीरियल्स का वो इंक्रीज ज्यादा हुआ है। सीरीज लिखा हुआ है दे आर नॉट जस्ट अ फूड एंड फीड बट ऑल्सो फूड फ्यूल ग्रेन. मतलब सीरियल प्रोडक्शन इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द फूड सिक्योरिटी. सीरियल से आप ऐसे पूछा पूछा था कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में आप बार्ली को डाल सकते हैं, मेज को डाल सकते हैं कि नहीं, तो इसमें भी आप सीरियल को भी डाल सकते हैं. तो सिर्फ फूड नहीं है, फ्यूल भी है एक तरह से. इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर जैसे यूज करते हैं, एंड पॉवर्टी लाइन भी जो इंडिया में डिटरमाइन करते हैं उसका बेसिस भी यही है कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ जो कमेटी था रंगाराजन कमेटी उस पर कि पहले वाले पर है ये जो दो कमेटी जो लास्ट की थी, सी रंगराजन कमेटी, थोड़ा, तो उसमें से किसके ऊपर है मतलब जिन्होंने उसमें भी कमेंट ओपन एक्सपेंडिचर में आप ये पूछो कि उसमें भी किस पे किसके ऊपर है। आज जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं. हाँ उसमें ये सब कैटेगरीज में है, फूड के ऊपर है, क्लोथिंग के ऊपर है, देन ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें हैं, एंड नॉट जस्ट मतलब फूड के पर्सपेक्टिव से भी, तो उसमें भी डिफरेंट टाइम पीरियड पे भी हम असेस करते हैं कि 7 डेज के बेसिस पे एंड देन ईयरली बेसिस पे भी।
11 कैंडिडेट अप्लाई टू वेरीफाई ईवीएम बर्नट मेमोरी वॉज वॉट इज दिस प्रोसेस। इसमें बात किया है कि 11 कैंडिडेट हैव आस्ट की वेरिफिकेशन करे बैलेट यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को। जब वोटिंग करने गए थे तो एक सामने में जो बैठे हुए थे ऑफिशियल, उसके सामने एक स्विच था, वो कंट्रोल यूनिट था और बैलेट यूनिट जो अंदर में रखा हुआ है, जो चारों तरफ से ढका हुआ था। उसके साथ साथ वीवीपैट भी था। तो कंट्रोल यूनिट जब ऑन करते हैं तभी जाके बैलेट यूनिट में आप एक वोट डाल सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 100% काउंटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी बोला है कि आप वेरिफिकेशन के लिए बात कर सकते हो ऑफ द बर्न्ड मेमोरी। तो बर्न्ड मेमोरी इन 5% ऑफ ईवीएम इट इज अ जो कंट्रोल यूनिट वीवीपैट एंड बैलेट यूनिट। बोलो किसके परमानेंट बारे में बात मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट मेमोरी मतलब इसमें जो परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है, मतलब अगर डिवाइस ऑफ भी हो जा रहा है आपका तो डेटा स्टोर रहता है, जो वीवीपैट्स और ईवीएम में यूज होती है, तो वो अगर बर्न हो जा रही है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक और इसमें बोला कि ईवीएम बाय द पोलिंग स्टेशन एंड सीरियल नंबर हैव सेल ऑप्शन टू रिमेन प्रेजेंट एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। प्रोसेस लंबा है, डीई ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल। 5% वीवीपैट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं उसको। ईच ऑफ देम वुड बी अलाउड टू हैव अ 2.5% ऑफ द ईवीएम वेरीफाइड। डिपॉजिट भी दे सक देना है आपको। तो कौन से कंपनीज बनाते हैं, तो बेसिकली बीईएल और ईसीआईएल। तो ये लंबे प्रोसेस है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट। अभी में क्या हुआ कि 1 लाख आउट ऑफ लैक्स ऑफ काउंट ईवीएम यूज इन द कंट्री सिर्फ 118 पोलिंग सेशन में क्वेश्चन रेज हुआ इस इलेक्शन में। जहां जहां पर वोट मार्जिन कम हुआ है वहां पर कभी कुछ कुछ जगह पर रेज हुआ था। हंड्रेड एंड एटीन पोलिंग सेशन। अमेंडेड फॉर अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच। मानसी इसको ले लो एक बार। तो इसमें वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द पास्ट डेकेड, उसके ऊपर बात की जा रही है। एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शोज डिक्लाइन इन द रियल अर्निंग्स, तो इन्फ्लेशन से रिलेट करके यहाँ पे कनेक्ट करके किया जा रहा है कि कौन सी इकोनॉमिक अप्रोच बेस्ट है जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे, दैट इज गुड, या और कुछ हमें चेंजेस करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन विच इज नॉट अगेन सबसाइडिंग। वो मतलब ब्रॉडर थीम्स इसमें अलग अलग इसमें सेक्टर कुछ। से बात किया गया कि पीएलएफएस बात करते हैं कि देर इज अ डिक्लाइन इन रियल लर्निंग। नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन रियल लर्निंग इनकम है वो कम हो रहा है। रेगुलर एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे की ओवरऑल जो इकोनॉमिक अप्रोच विच वॉज यूज फॉर द अदर सेक्टर एलपीजी, क्या वो हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं, वहां पर चाहिए ऐसा। तीसरा इसमें बात किया गया 75% ऑफ इंडियन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का इसमें क्वेश्चन उठाया रादर देन फूड सिक्योरिटी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, सोशल कैपिटल कैसे बना सकते हैं। व्हाट ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी डन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन ऑल दिस स्फीयर। तो इसमें ये सिर्फ बोल रहे हैं कि तो हाँ हाईवे लास्ट कंस्ट्रक्शन में हर एक फील्ड में। जो इवन इंडिया में जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो स्क्यूड टुवर्ड्स ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट कोविड वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, तो दैट
प्लेस हैज टू बी टेकन अप बाय द पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज इंक्रीजिंग एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम कम कर रहे हैं विद दी लाइक जैसे एक्सपेंडिचर इन सब्सिडीज को हमने रिड्यूस किया है. सो एट स्केल लार्ज स्केल पे जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है करंटली ओनली सोल्यूशन ये है कि पब्लिक सेक्टर वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करे वो आ गया है और फिस्कल पॉलिसी कैन हेल्प अस. और इसमें एक और एक अच्छा दिया हुआ है जिसमें बोला है कि इकोनॉमिक अप्रोच जो होगा सिर्फ और सिर्फ वो टू इंक्रीज ए जीडीपी, या फिर आप हर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस बेंगलोर में हो रहा है, तो उसे उस फिर आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है, कोल्ड और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, विटामिन मिनरल जो होना चाहिए सेल्फ सफिशियंसी वो इंडिया में नहीं है अभी। ओवरऑल नल से जल है लेकिन आप नल से पहुंचा भी देंगे लेकिन क्लीन वाटर पहुंचा रहे कि नहीं, उसमें क्वेश्चन उठता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है लेकिन 24x7 है कि नहीं। वेस्ट डिस्पोजल करते हैं लेकिन बहुत कम परसेंटेज है जो ओवरऑल हो पा रहा है सीवेज मैनेजमेंट वेस्ट डिस्पोजल। तो ओवरऑल सोशल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट उतना ही चाहिए जितना आप हार्डकोर एफडीआई चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सर्विस बेस में। तो ये एक पार्ट ऑफ डिबेट ये भी है जैसे हम बात करते हैं थ्योरेटिकली कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका मानना ये था कि गवर्नमेंट का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए. ऑटोमेटिकली जो मार्केट फोर्सेस हैं, सपोज एन इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन तो ऑटोमेटिकली इट विल बी रिस्टोर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. बट देन इसके जो लूप होल्स थे वो हाईलाइट हुए ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1928-29. देन केम दी नेक्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट जिन्होंने बोला, जो कीन्जियंस हम बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो इन इफेक्टिव है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कीन्जियंस ने बात करी थी लिक्विडिटी ट्रैप की कि सपोज ड्यूरिंग रिसेशन या डिप्रेशन है तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतना लो है कि मॉनेटरी पॉलिसी और उसको कितना लो करेगी. अगर वो ऑलरेडी इतने लो लेवल पे है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता, बट वो नहीं हुआ. तो इसलिए उन्होंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है तो द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट. रिगार्डिंग टेस्टिंग टाइम्स एनटीए नीस्ट एंड ओवरहॉल, तो इसमें 2018 में एनटीए लाया गया था टू ओनली इंक्लूड टेस्टिंग। आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे तब भी वहां पर, वहां से लेकर अभी तक में देर आर सेवरल केसेस ऑफ पेपर लीक। तो इसमें क्या है, टेक्निकल ग्लिच, चीटिंग स्कैम, पेपर लीक, प्रॉक्सी कैंडिडेट, ये सब एग्जाम फेस किए। तो ऐसा इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एनटीए कैन लर्न फ्रॉम यूपीएससी कि कैसे वो कंडक्ट कराते हैं, कोई प्रोसेस क्या होगा, रैंडमनेस कैसा होगा एग्जाम का ओवरऑल। दूसरा कि जो आईआईटी जेई और जेई मेंस होता है उसमें भी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पेपर लीक या फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट का यूज किया गया, तो वो कैसे करवा रहे। तो एक वो हो सकता है क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव वैसे ही रह सकते हैं, सब्जेक्टिव इसलिए नहीं बन सकते, 24 लाख कैंडिडेट है एनईईटी में, तो शुरू में ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही हो लेकिन उसको कैसे कंडक्ट कराएंगे वो एक सीख सकते। और क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में जो पनिशमेंट है 10 ईयर्स प्रिजन, 1 करोड़ पेनल्टी, जो एंटी चीटिंग बिल आया था, इट इज़ अ डेड ट्रेंड, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए रोबस्ट सिस्टम चाहिए क्योंकि वो तो पोस्ट फैक्ट हो गया कि कोई चीटिंग करवा पाया उसके बाद, लेकिन उसके कारण जो 5 to 6 स्टूडेंट दैट हैव कमिटेड सुसाइड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ इसके कारण, तो उसके बारे में क्या। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन म्यांमार आउटलाइंड, जब म्यांमार बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी आता है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट टाइड टू म्यांमार एंड ऑल्सो म्यांमार इज पार्ट ऑफ एशियान, तो कैसे आप नॉर्थ ईस्ट को जोड़ सकते हो पूरा एशियान के साथ, वो म्यांमार इसलिए इम्पोर्टेंट है। डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू द एथनिक क्लासेस गवर्नमेंट और लोकल रेबल के बीच में, उसके कारण माइग्रेशन इशू है, रेफ्यूजी इशू है इन द मणिपुर, नागालैंड और फिर मिजोरम में, तो उसके एक चैलेंजेस है म्यांमार में। तो इंडिया का पॉलिसी क्या होना चाहिए, तो इंडिया हैव टॉक्ट अबाउट कि देर शुड बी अ
टॉक्स बिटवीन द रेबल एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट, लेकिन हो नहीं पाया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, तो कोकोस आइलैंड हो गया जो स्ट्रेटेजिक रीजन पर है, जस्ट नॉर्थ साइड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, दैट पे डिफरेंस इज वेरी औषध आपने क्रूशियल। कोकोस कोकोस बोला, कोकोस दूसरा आइलैंड है, कोकोस आइलैंड कीलिंग आइलैंड जो इंडोनेशिया के एम्बिट के अंडर आता है, जो म्यांमार वाला कोको आइलैंड है उसमें एस नहीं है, कोको आइलैंड है कोको नॉर्थ ऑफ अंडमान। सी, हाँ ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है, कैसे इंडिया पॉलिसी क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल इंडिया बात करते हैं कि रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया, लेकिन तब भी उनका रोल रहा है कि आप रेफ्यूजीज को आप ट्रीट करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल पहुंचाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, प्लस क्रॉस बॉर्डर एड आप देंगे, मेडिसिन फूड सप्लाई टू अदर साइड, एंड जो बाकी इकोसिस्टम। हाँ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें BBIN इम्पोर्टेंट है और बिम्स्टेक, जिसमें इंडिया और म्यांमार दोनों पार्टनर्स हैं, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से रेफ्यूजीज, और इंडिया ने जो भी रीसेंट इनिशिएटिव लिया था कि वी विड्रो दी फ्री मूवमेंट रिजीम, तो वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दैट वाज द डिसीजन टेकन। जिसमें बोलने जा रहा है कि दो है इंडिया का अप्रोच, हो सकता है एक वेपन सेल और ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच। ह्यूमैनिटेरियन और जाएगा पीपल टू पीपल के लिए, वेपन सेल हो सकता है आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटरीच करने के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर एड, मेडिसिन फूड, टारपोलिन टू अदर साइड, एड इकोसिस्टम, असाइलम इकोसिस्टम, इट इज ओनली इन प्लेस। तो सब नेक्स्ट, रशिया पैक्ड नॉर्थ कोरिया। तो भी हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया के जो किंग जोंग यंग है, ही हैड मेट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। तो रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कोलैबोरेशन क्या चीज पर है, तो फार ईस्ट, जहां पर जो फार ईस्ट पॉलिसी है रशिया रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, रिगार्डिंग ICBM, रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिटरेंट, रिगार्डिंग कंट्रोलिंग जापान इन दैट रीजन। एक और एक आइलैंड है वहां पर, क्यूरिल आइलैंड, हाँ रशिया और जापान के बीच में। फिर नॉर्थ कोरिया फेमस है साइबर सिक्योरिटी में, नॉर्थ कोरिया फेमस है साइबर अटैक में, नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप लेड बाय चाइना, चाइना नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान ईरान एंड ऑल्सो रशिया। तो उसमें ड्रोन्स का बात है एक, एंड न्यूक्लियर थ्रेट भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे यहाँ लिखा भी है डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए। तो क्या होगा उसमें, तो मॉस्को विल स्टेप अप सप्लाईज ऑफ फूड एंड फ्यूल टू नॉर्थ कोरिया, डिफेंस सेक्टर में उनको मिलेगा, अलायंस का भी पार्ट बनेंगे। और दूसरा कि मॉस्को विल ऑल्सो सपोर्ट नॉर्थ कोरिया इन UNSC। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। एंड म्यांमार वाले इशू के अंदर एक और ऑप्शन भी हमारे लिए हो सकता है कि हम बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सेटअप कर दें, ये किया था सरकार ने। एंड काउंटर टू दिस वी आर सीइंग कि अभी करंटली USA इज कैरिंग आउट जॉइंट लाइक एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया, जॉइंट ड्रिल्स की जा रही है। एंड कर दो करना। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। कीप वॉचिंग अंसरकारी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।